हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। आज हम करने जा रहे हैं L3000 गेम पैड की अनबॉक्सिंग। ये काफ़ी अच्छा गेम पैड है और ये मुझे बहुत पसंद आया है। ये गेमिंग के लिए मैंने लिया है और ये कंप्यूटर के लिए है। OTG अगर आपको मोबाइल सपोर्ट करता हो तब भी ये चल जाता है। चलिए देखते हैं ये कैसा है। ये L3000 गेम पैड है, 2 मोटर वाइब्रेशन सिमुल लेट द सीन गेम्स। जो भी गेम में कोई धमाका वगैरह इस तरह की आवाज़ है तो इस कंट्रोलर में वाइब्रेशन होती है। इसमें मोटर्स लगी हुई हैं, वो मोटर चलती हैं तो गूं गूं होता है। ये विंडोज़ 8 पे कंपैटिबल है, विंडोज 7 पे भी कंपैटिबल है और विंडोज़ XP पे भी चल जाता है। और USB 2.0 हाई स्पीड है। और ये पीछे कंट्रोलर के बारे में बताया हुआ है, कौन से बटन से क्या करना है। ये L1 है, L2, R1, R2, एरो कीज, एक्शन बटन्स, सेलेक्ट, जॉयस्टिक, स्टार्ट मोड, टर्बो क्लियर, ये इसके बटन है। और ये वाइट कलर में आता है, ब्लू में आता है, रेड में आता है, ब्लैक में आता है, मगर मैंने ग्रीन में लिया है। ग्रीन में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर पढ़ते हैं चलिए देखते हैं अंदर हमें क्या मिलता है। मेड इन चाइना लिखा हुआ है। और ये काफी अच्छा बना हुआ है। चलिए खोलते हैं इसके अंदर, अपना कंट्रोलर बाहर निकालते हैं। डब्बे में कुछ भी नहीं है, ये हमारा कंट्रोलर आ गया है बाहर। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ग्रीन कलर में है। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। पीछे इसकी वायर है जो काफ़ी लंबी है और ये USB वायर है। और ये ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये जॉयस्टिक्स हैं, ये इसके बटन हैं L1, L2, R1, R2। और ये इसमें मोटर लगी हुई है, वाइब्रेशन भी होती है इसमें। मुझे तो ये कंट्रोलर काफ़ी पसंद है। अगर आपको पसंद है तो मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये कंट्रोलर कैसा लगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।